दुनिया का सबसे अमेजिंग सबसे अनोखा म्यूजिकल रियलिटी शो और सबसे ज्यादा अमेजिंग और अनोखा यह शो इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में बल्कि आई वुड से कि वर्ल्ड टेलीविजन की हिस्ट्री में इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरह का शो किसी भी चैनल पर आज तक न सोचा गया है और मुझे लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में सोचा जाएगा यह शो जरूर कुछ उन ब्रेन्स के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो तीन लेजेंड्स हैं हमारे जो तीन इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और जैसा बपीदा हमेशा कहते हैं द पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक किशोर दा लताजी एंड रफी साहब इन तीनों को ये शो हमने डेडिकेट किया है और इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरह की सोच अभी तक टेलीविजन में नहीं आई है ना वर्ल्ड टेलीविजन में आई है और इंडियन टेलीविजन तो आप सभी फॉलो करते ही हैं और जब मुझे बोला गया इस शो के लिए मुझे जब फ़ोन आया फ्रॉम द टीम आई वाज आउट ऑफ बॉम्बे मैं इमीजिएटली पहुँचा जैसे ही बॉम्बे लैंड किया और जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट सुना मुझे इससे पहले कि बोला जाए कि आपको ये शो एंकर करना है मैंने उससे पहले बोल दिया था कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट uh, ही इस तरह से है और आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि uh, हमेशा से डीडी ने एक पहल ली है और इस तरह का पहल जो डीडी ने ली है हंड्रेड परसेंट हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे एंड आई एम प्रीटी sure श्योर कि नीयर uh, फ्यूचर में लाइक इन अनदर वन और टू इयर्स डेफिनेटली इस तरह का कॉन्सेप्ट टेलीविजन पे आने वाला है क्योंकि डीडी हमेशा से ट्रेंड सेटिंग रहा है और जो टीम है जो क्रिएटिव टीम है जो तो प्रोडक्शन हाउस है जो गजेंद्र सिंह जी की टीम है हमेशा से इन्होंने कुछ हटके किया है और आप सभी को पास्ट पता है जिस तरह के रियलिटी uh, शोज़ पहले बनाए गए हैं लाइक सारी फ्रॉम अंताक्षरी देन सारे गा देन वॉइस ऑफ इंडिया देन छोटे उस्ताद म्यूज़िक का महा मुकाबला इन नाउ दिस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट जो है इतना uh, अजीज़ है मुझे मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ इट्स वेरी डियर टू मी क्योंकि uh, हम लोग इस जनरेशन के हैं लेकिन द काइंड ऑफ म्यूज़िक आई हैव फॉलोड बचपन से जो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्रिएट करने की वो हमेशा से इंस्पायर इन्हीं के म्यूज़िक से रहा है और एक बहुत कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इट्स कॉल्ड इंडी रूट्स उसकी जो ऑडियंस है जब मैंने इसको रीड uh, किया तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि जो उसकी इंटरेस्टेड uh, ऑडियंस है वो 20 टू 25 फाइव ईयर्स की है इसका मतलब ये है कि जो हमारी यंग ऑडियंस है उन्हें भी इस प्रकार का म्यूज़िक चाहिए है दे वॉन्ट टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक और वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में वो भी एक रीज़न है लेकिन अगर हमारे आज के म्यूज़िशन्स को कंपोजर्स को अगर ये फ्रीडम मिले कि वो इस तरह का कुछ क्रिएट करें तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि इस तरह का अच्छा म्यूज़िक क्रिएट किया जा सकता है और शुरू का एक लव्य जो है एक बहुत बड़ा माइल हो सकता है हमारी आज की जनरेशन को और कमिंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए कि वो कुछ अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करें और आ, अमेजिंग जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ अमेजिंग uh, जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ उसका एक रीजन ये भी है कि आप अगर बाकी के रियलिटी शोज को अगर देखें ध्यान से तो उनमें जो गाने होते हैं द म्यूजिक विच इज़ क्रिएटेड वो ओरिजिनल गानों के नजदीकी होता है उस तरह का ही प्रेजेंटेशन होता है बट वी वर क्वाइट एडमिट हमारी क्रिएटिव टीम एडमिट थी हमारे म्यूजिक टीम जो है वो एडमिट थी हमारे सभी कैप्टन इस बात को लेकर के एकदम एडमिट थे अलर्ट थे कि जो प्रेजेंटेशन होगा इन गानों का वो कुछ हटके होगा ंपायर्स आर नेक्स्ट जनरेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू और uh, हमारा एक एवी uh, है जो हम लोगों ने बनाया है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल शो हम चाहेंगे कि आप सभी वो ए वी देखें हम